नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में बीपीएससी की तरफ से हाल ही में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। इसको लेकर बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से ये भी बता दिया गया कि अक्टूबर महीने के मध्य में कभी भी इस परीक्षा का परिणाम आपके सामने हो सकता है। ऐसे में जो छात्र इसके रिजल्ट का सितंबर के महीने में जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार थोड़ा जरूर बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बीच बीपीएससी की तरफ से इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट 1 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जहां से अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी की तरफ से इसको लेकर सूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि इस परीक्षा में जिस भी अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया था, वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.government.in पर आपको जाना है और यहाँ पर आप डैशबोर्ड में लॉगिन कर अपना उत्तर पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इसके डाउनलोडिंग का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा चुने गए उत्तर जो उन्होंने दर्ज किए गए, मतलब जो उन्होंने आंसर दिया, वो आपको दिख जाएगा। इससे पहले आयोग की तरफ से भी सभी प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका और कुंजी आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पहले ही डाल दी थी। ऐसे में छात्र यहां से अपनी ओएमआर शीट हासिल कर अपने द्वारा दिए गए उत्तर की विभाग के उत्तर कुंजी से मिलान कर सकते हैं। मतलब आंसर शीट में आपने जो भी कुछ लिखा है उसका मिलान और बीपीएससी की तरफ से जो आंसर बताए गए हैं उसका मिलान आप कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना सही जवाब दिया है। आप खुद का मूल्यांकन अब कर सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसमें कुल 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, परीक्षा आयोजित की गई थी। बीपीएससी की तरफ से अगस्त के महीने में 24 से लेकर 26 अगस्त तक परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षाएं तब 2 पालियों में आयोजित की गई थी। तो ये एक लंबा इंतजार था अभ्यर्थियों का, जो अब समाप्त हो गया है और अब आंसर की भी आपके सामने है। आप आसानी से आंसर मिला सकते हैं, जो आपने ओएमआर शीट पर अपने आंसर भरे हैं उसका और जो आयोग की तरफ से आंसर दिया गया उसका मिलान आप आसानी से कर पाएंगे। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आपको अपना मूल्यांकन करने में बहुत ही आसानी होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।